पहले स्पाइसेस को धीमी आंच में टोस्ट किया जा रहा है। स्पाइसेस को टोस्ट करने के बाद एक मोटर और प्रेशर में डाल दीजिए। ये रहे स्पाइसेस। स्पाइसेस इसमें क्या क्या है, ये है चिली पेपर और सौंफ और मेथी और जीरा भी डाल सकते हैं। इसके बाद थोड़े से सरसों के तेल में ड्राई किए मैंगो को डाल दीजिए। ये रे मम्मी जी जो बना रही हैं, सो आपको मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। फिर तेल को तेल में ऐसे हिलाते दीजिए। ये रहे कुछ ड्राइड मैंगोज और फ्रेश मैंगोज मम्मी जी बना रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाती हैं, वो भी दिखाऊंगा। और अचार के लिए आपको गुड़ नहीं चाहिए, सिर्फ स्पाइसेस और तेल में थोड़ा सा पका लेना है आम को। और मीठे चटनी के लिए आपको गुड़ चाहिए, रहा गुड़। और ये रहा देखिए कच्चे आम। अचार के लिए जो अचार हम खाते हैं ना पराठे के साथ, मतलब नमकीन वाला अचार, उसके लिए चाहिए आपको सरसों का तेल। सरसों का तेल और ये रहे मसाले और ये रहे कुछ कच्चे आम जो एक दिन के लिए सूखने डाल दिए थे। और ये रहे कच्चे आम जो एक दिन के लिए सूखे डाल दिए थे, अचार के लिए चाहिए। और अगर आपको स्वीट मैंगो पिकल बनाना है तो इसलिए गुड़ चाहिए। आप शुगर केन का गुड़ डाल सकते हैं तो कभी मीठा अचार बनेगा। ये नमकीन अचार बन रहा है, वो मीठा चटनी है। फिर आपको एक कटोरे में डाल देना है और उसमें तेल भर देना है। मीठा चटनी के लिए ये रहा सूखा और कच्चा मैंगो और उसमें गुड़ मिलाना है। उसके पहले थोड़ी देर तेल में पकाना है। और ये अचार के लिए ये रहा, इसमें फिर तेल डाल देना है, सरसों का तेल। फिर नमक भी डालना है।
अचार के लिए इसे कूट ले, इसके कूट अचार के लिए सारे खड़े मसालों को कूट ले और तेल में डाल दे, और अचार वाले जो पहले तेल में पकाया था उसमें डाल दे, जो नमकीन वाला अचार है। और चटनी के लिए, मीठा चटनी के लिए इसे पका ले और गुड़ और चीनी डाल दे, फिर हिलाते रहे और आपका बन जाएगा मीठा चटनी। Peace.